अल्टीमेट नजारे एक नंबर, जय भोलेनाथ। धीरे चलेंगे तो बार बार मुलाकात होगी, और स्पीड में चलेंगे तो इलाहाबाद में मुलाकात होगी, ग्राम टाटी धारा। अच्छा मैसेज लिखा हो भाई। एक ऐसे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं विजय कुमार दी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहेगा। इस प्रकार की पहाड़ी एरिया रोड है और लोकेशन है, और इस साइड में पूरा रेलवे ट्रैक, जो कि ये रेलवे ट्रैक कटनी जबलपुर जितनी जाती है यूपी साइड वाली रूट है ये। तो इस प्रकार का पूरा कुछ ये रूट दिख रहा है। पहाड़ी एरिया है, घाटी है, और फिर से हम लोग घाटी में चढ़ाई कर रहे हैं। छोटा सा, कोई बड़ा नहीं है, पर ठीक ठाक है। अब देखते हैं कितने ऊपर तक हमारी चढ़ाई होती है इस घाटी में। और रोड की बात की जाए तो रोड ठीक ठाक है, कोई ख़राब रोड नहीं है यहाँ पे। हल्का हल्का एक हिसाब से देखा जाए तो चढ़ाई है, पूरी नहीं है, छोटा छोटा चढ़ाई है इस घाटी में। और छोटे छोटे मोड़ हैं, कोई बड़े मोड़ भी नहीं है। सबसे ऊपर आ चुके हैं और नीचे की जमीन वमीन हम लोग को नहीं दिख रही, खाली बस पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अभी इस टाइप का पूरा रोड और इस टाइप की पूरी घाटी कितनी बड़ी है पता नहीं। और उधर से देखिए स्कॉर्पियो वाले भाई साहब बहुत स्पीड में आ रहे हैं। सुंदर सा भाई, अति सुंदर। और जो भाई लोग ने भी तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप कर लीजिए। और वहाँ पे हम लोग स्टेटस डालते रहते हैं कि आज कौन सी सिटी, कौन से शहर, कौन से कस्बा जाने वाले हैं। तो वहाँ पे भी आप हमसे मिलना चाहते हैं तो स्टोरी के माध्यम से हमसे कनेक्ट रह सकते हैं कि हम आज कौन सी लोकेशन और कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, तो आप मिल सकते हैं आराम से। अभी फिलहाल इस घाटी में चलते जा रहे हैं। हमारे जैसे भिलाई में छत्तीसगढ़ में सालेवारा घाटी होती है, उसी प्रकार की घाटी दिख रही है, छोटी छोटी, कोई बड़ी घाटी नहीं है, बस उसी प्रकार की है। जैसे हमारे यहाँ चिल्पी घाटी हो गई और केसकाल घाटी हो गई, उस प्रकार की घाटी नहीं है। जगदलपुर में जैसे बोल सकते हैं, बस्तरों में बोल सकते हैं, छोटी और छोटी घाटियाँ होती है, उसी प्रकार की पूरी घाटी है ये। और साइड में आप देख लीजिए कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, इस साइड में पूरे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। कितने ऊपर लेवल में आ गए हैं हमको, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधों के चक्कर में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जस्ट बगल में रेलवे ट्रैक था। अब वो रेलवे ट्रैक कहाँ निकल गया पता नहीं, बस लेकिन हमको रोड अच्छी है तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाने होने में। और जो भाई लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल करके। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों फैमिली वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक हम लोग को सपोर्ट नहीं कर हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि आप ही लोग सपोर्ट से हम लोग सब कुछ है, क्योंकि आप लोग को हम लोग इस टाइप की वीडियो लेके आते रहते हैं आपके सामने, क्योंकि ऑल इंडिया घूमते रहते हैं और बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, सुबह से लेकर शाम तक घूमना पड़ता है इस लोकेशन उस लोकेशन में, तब जाके एक वीडियो बनती है। या कोई गाड़ी खड़ी यहाँ पे, या कोई जाने आने का रास्ता था, और देखते बड़े बड़े पत्थर हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। बस यही खासियत है कि रोड अच्छी है, एक साइड में पूरा रेलिंग बना देना चाहिए कि कभी एक्सीडेंट होने का ना डर हो। मैं यही गुजारिश करूंगा यहाँ के गवर्नमेंट से कि इस साइड में पूरा सा एक रेलिंग बना दिया जाए इस घाटी में। और यहाँ से कहीं से व्यू पॉइंट दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, फिलहाल तो अभी कहीं व्यू पॉइंट नहीं दिख रहा है, बस हम लोग अभी शायद घाटी से उतर रहे हैं धीरे धीरे करके।
4-5 किलोमीटर की रेंज में घाटी था, जो भी था अच्छा लग रहा है घाटी पर और बहुत सुंदर लग रहा है। रोड तो खास कर बहुत अच्छी रोड है और टर्निंग मोड और भी छोटे छोटे हैं पर खूबसूरत है भाई, अल्टीमेट है ये, बोलते हैं सुंदर भी बोल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का छोटा छोटा। ये फिर छोटी सा कोई नदी बोल सकते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पानी बहता हुआ है। इधर से फिर से शायद मेरे को लग रहा है घाटी आरंभ है ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि रोड अच्छी है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा रोड खराब होगी पर रोड ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब रोड नहीं है मतलब। और यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे होते होंगे क्योंकि पूरा जंगलों में हम लोग घूम रहे हैं और एरिया में घूम रहे हैं जंगल एरिया में, तो यहाँ पे हर प्रकार के जानवर दिखते होंगे। पर यहाँ पे कोई इंटीमेशन नहीं लगा हुआ है कि कौन से जंगली जानवर या किस प्रकार के यहाँ पे दिखते हैं। और जिस हिसाब से घाटी है पहाड़ी एरिया है ज़रूर यहाँ पे घूमते होंगे नाइट वोट में, डे में तो अभी फिलहाल कोई नहीं दिखा, शोर शराबे में बहुत लोग कम दिखते हैं। अरे वाह, अरे अभी उतर रहे थे अब फिर से चढ़ाई चालू हो चुकी है। सच में यार ये घाटी अच्छी लगी मेरे को, सुंदर। नीचे देखिए पूरा बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल चढ़ाई है भाई, अभी तक हम लोग थोड़ा कम चढ़ाई सोच रहे थे। और क्या सुंदर, और इधर झरना है भाई, वाटरफॉल है। ये साइड देखिए ये सुंदर सा, आपको शायद पेड़ों की वजह से ना दिख रहा हो पर यहाँ पे है ये वाटरफॉल। आगे से शायद दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। हाँ तो ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है ये है वाटरफॉल लोकेशन का, यहाँ से पानी बहता हुआ पूरा ये वाटरफॉल बन रहा है यहाँ पे भाई। और जो कि हम लोग ये जो रूट है नई रूट है हम लोग को अमरकंटक जाने के लिए, पिंडा वाली रूट है ये। अभी तक बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी पर ये रोड थोड़ा हम लोग को अच्छी लगी और मिली ही भी है बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस वाली रूट में जाने में। और अभी हम लोग को रेलवे ट्रैक नहीं दिख रहा है क्योंकि बगल से रेलवे ट्रैक के बगल से निकल रहे थे, अब वो रेलवे ट्रैक किस साइड में पता नहीं। ठंडी हवा लग रही है अब थोड़ा सा हमको सुकून मिला क्योंकि उमस इतना ज़्यादा है भाई, मैं आपको भया भी नहीं कर सकता। इस बार पता नहीं भगवान जी इंद्र महाराज जी क्या कर रहे हैं, पानी उस प्रकार का गिर नहीं रहा है और इतना ज़्यादा उमस इतना ज़्यादा गर्मी कि हालत टाइट हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग मई के महीने में गर्मी होती है ना उस प्रकार का पूरा गर्मी नौ तपा का वैसा हाल है यहाँ पे। और पूरा पानी पी पी के अपना काम चला रहे हैं। भाई साहब आ रहे हैं पर इधर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही, टू व्हीलर ही गाड़ी दिखती है, ज़्यादा ज़्यादा फोर व्हीलर दिख रही है, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं दिख रही। और यहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी हमको चढ़ाना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमको कहीं पे बुगदा पुलिया दिखता है तो ज़रूर दिखाएंगे रेलवे ट्रैक वाला। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे है पर यहीं पे कहीं पे शायद बुगदा पुलिया है। के बच्चे लोग भाई साहब यहाँ पे और पहाड़ी एरिया, फाइनली हम लोग पहाड़ी एरिया से बाहर निकल गए, थोड़ा घाटियों से बाहर निकल गए और ये कुछ अलग लोकेशन में आ चुके हैं।
ऐसा कुछ सुंदर। अरे वाह, बहुत दिन और भाई कुआं देखने को मिला ऐसा, यह सौर ऊर्जा ऊर्जा लगा हुआ है, अति सुंदर। क्या हो रहा है, लाइट उठे भाई छिमे यार, ये जो लोकेशन है ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और बस हम लोग चलते जा रहे हैं इस लोकेशन में घूमते हुए। ऐसा जैसे गौ माता लोग आते हुए, बछड़े साहब भी हैं, गौ माता भी हैं, ये देखिए, और जंगलों से चारा वारा खाते हुए बाहर की ओर निकल रही हैं। भाई सच में, और हमारे राहुल भाई जी ना पता नहीं कहाँ सन्न 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 निकल जाते हैं एकदम स्पीड में, वो जा रहे हैं आगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है एक घाटियों से होते हुए। घाटी दिख रही है कुछ, अभी फिर से चढ़ाई चालू है, और अंधा मोड़ टाइप का कुछ नज़ारा यहाँ पे देखना है हमको। अब पहाड़ों में चढ़ने में जो मज़ा आ रहा है, जाने का जो मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बस चलते जा रहे हैं, वाह क्या बात, घाटी और पहाड़ी एरिया शानदार बेमिसाल भाई। घाटी तो तबाही में जा रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे घाटी घाटी पूरी मिलती जा रही है हम लोग का भी तो, और छोटी छोटी घाटी, बड़ी बड़ी घाटी नहीं है। भाई कितनी घाटियाँ दिखाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कितनी वीडियो शूट करूँ, बस शूट करते जा रहा हूँ। और इस साइड देखिए, इस साइड भी पूरा सुंदर से नज़ारा है, बेहतरीन सा, वाह भाई वाह। इस देखिए क्या अल्टीमेट नज़ारा है, एक नंबर। वहाँ पे इक्का दुक्का घर बने हुए पूरे कच्चे कच्चे, और हमको यहाँ से दिख रहे हैं, इस लोकेशन से पूरा दिख रहा है, कुछ ऐसा नज़ारा पूरा पहाड़ी एरिया, और बहुत सुंदर लग रहा है। और जहाँ तक आपकी नज़र है पूरा पहाड़ी एरिया है, बहुत अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ का।